दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को बातों से नहीं बल्कि अपने काम से मात दो। और दोस्तों, इन्हीं लाइनों को सच साबित करके दिखाया है मुरादाबाद के तीन लड़कों ने, जिनका नाम नजीम, वसीम और जैन है। और दोस्तों, आप लोग इन तीनों को अगर नाम से नहीं जानते तो फिर राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल के जरिए तो जानते ही होंगे। दरअसल राउंड टू हेल आज की तारीख में भारत का 8वां सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। और इस चैनल के वीडियोस को देखने के बाद कोई हंसे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि भले ही आज इस चैनल पर हर वीडियोस में ही मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि तीनों दोस्तों को लोगों से बहुत ही भला बुरा सुनने को मिलता था। और यही वजह थी कि इन्होंने एक समय तो यूट्यूब को छोड़ने तक का सोच लिया था। लेकिन किस तरह से नजीम, वसीम और जैन आगे बढ़े और यूट्यूब पर अपना परचम लहराया, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है यूपी के मुरादाबाद से, जहां पर नजीम, वसीम और जैन का जन्म हुआ था। और दोस्तों, तीनों ही दोस्त मुरादाबाद के पास बसे एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए इनके पढ़ाई लिखाई की, तो तीनों ने ही अलग अलग स्कूल से अपने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की, जिसमें से नजीम ने अपनी स्कूलिंग मॉडर्न पब्लिक स्कूल से की है, जबकि वसीम ने आलम इंटर स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। और रही बात जैन की, तो उन्होंने PMS पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। हालांकि दोस्तों, भले ही यह तीनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन इनमें दोस्ती बहुत अच्छी थी और वे शुरू से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखते। और दोस्तों, इसी कड़ी में ही तीन दोस्तों में से एक नजीम अहमद, जो कि काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलते थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे अपनी फुटबॉल स्किल्स को एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के सामने लाएं। और फिर इसीलिए नजीम ने एक चैनल की शुरुआत कर दी। और फिर यहाँ पर वह फ्री स्टाइल फुटबॉल ट्रिक्स और इसी से ही संबंधित वीडियोस को अपलोड किया करते थे। हालांकि जब व्यूज ना के बराबर आए, तब इस बात से निराश होकर नजीम ने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करने बंद कर दिए। हालांकि यूट्यूब पर एज अ व्यूअर वह हमेशा ही एक्टिव रहते थे। और फिर उस समय उन्होंने देखा कि वाइंस और कॉमेडी वीडियोस बहुत ही तेजी से वायरल हो रहे हैं। और फिर इसी सोच के साथ ही तीनों दोस्तों ने एक साथ यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला कर लिया। और फिर राउंड टू हेल नाम से चैनल बनाने के बाद उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी। लेकिन दोस्तों, अपनी पहली ही वीडियो 6 नवंबर 2016 को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के बाद से उनके इस वीडियो पर करीब 120 व्यूज आए थे। और फिर यह बात उन्हें मोटिवेट कर गई, जिसकी वजह से उन्होंने इसी वीडियो का पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया। और फिर इस टाइम तो व्यूज बढ़कर 200 हो चुके थे। हालांकि वीडियोस बनाते हुए देखकर लोग उन्हें ताना मारने लगे कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, नहीं तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। और फिर लोगों के ताने सुन सुनकर तीनों दोस्त बहुत ही जल्दी डीमोटिवेट भी हो गए। और एक समय तो उन्होंने यूट्यूब को हमेशा के लिए ही क्विट करने का फैसला कर लिया था। हालांकि तभी उनके एक दोस्त आलम सैफी ने उनको मोटिवेट किया और समझाया कि वे सभी अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि लोगों की बातों पर। और साथ ही आलम सैफी ने उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्हें एक ट्राइपॉड भी गिफ्ट किया। और फिर इसके बाद से तीनों दोस्तों ने एक साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू कर दिया। और इस बार तो तीनों दोस्तों ने कैसे भी करके पैसे जोड़े और फिर DSLR खरीद कर पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। दरअसल उन्हें पता था कि कंपटीशन के इस ज़माने में जब तक वे क्वालिटी नहीं देंगे, तब तक लोग उनके वीडियोस को ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। हालांकि DSLR से शूट करने के बाद भी उनके व्यूज़ उस तरह से नहीं बढ़े जैसा कि वे उम्मीद कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने 16 जनवरी 2017 को अपना फेसबुक पेज भी बना लिया और फिर यहाँ भी वे अपने वीडियोस को अपलोड करने लगे। और दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि फेसबुक के ऊपर उनका जिम वर्कआउट टाइटल का एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो गया और इस वीडियो के ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज आ गए। हालांकि तीनों दोस्तों को यूट्यूब पर अभी भी कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन वे पूरी शिद्दत के साथ अपना काम किए जा रहे थे। और फिर इसी बीच जियो काफ़ी चर्चे में था, क्योंकि 31 मार्च 2017 से वह अपना अनलिमिटेड डाटा पैक को बंद करने वाला था। और दोस्तों, इसी टॉपिक का ही फ़ायदा उठाकर उन्होंने एक वीडियो बना दिया और यह वीडियो उनके चैनल का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही इस वीडियो पर 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज आ गए। और फिर कुछ समय में ही यह वीडियो यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आ गई थी। और फिर ट्रेंडिंग टैब में पहुँचने के बाद से
इस वीडियो ने करीब 4 लाख व्यूज हासिल किए। साथ ही राउंड टू हेल चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का भी आंकड़ा पार कर लिया था। और दोस्तों, इसके बाद से तो तीनों दोस्तों ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके बेहतरीन वीडियोस लगातार ट्रेंडिंग सेक्शन में आती रही। और फिर यह चैनल बहुत ही जल्द इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल भी बन गया। और दोस्तों, यह सफलता उन लोगों के लिए एक करारा जवाब थी जो कि उन्हें उनके शुरुआती दौर में क्रिटिसाइज किया करते थे। और आज अगर देखें तो राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल पर करीब 13.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि यह आंकड़ा बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा और इसीलिए शायद आप जब यह वीडियो देख रहे होंगे तो फिर सब्सक्राइबर्स काउंट और भी ज़्यादा हो चुके होंगे। और दोस्तों, इतने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ यह भारत का 8वां सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन चुका है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल और इसके तीनों क्रिएटर्स यानी कि नजीम, वसीम और जैन के संघर्ष से लेकर सफलता तक की इस कहानी से आपको भी काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। हालांकि आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था, लेकिन इसी तरह के बायोग्राफी के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।